हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अपने घर में वाटरमेलन के छिलके को फेंक दे रहे हैं तो अब आपको फेंकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आज मैं कैसी रेसिपी लाई हूँ जिससे आप वाटरमेलन के छिलके से एक रेसिपी बना सकते हैं जो कि काफ़ी टेस्टी होती है। काफ़ी टेस्टी सी सब्जी आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंड। आप देखिए, वाटरमेलन के छिलकों को बिल्कुल भी ना फेंकें। इसके लिए देखिए, मैंने वाटरमेलन के छिलके को ले लिया है। सबसे पहले इसकी जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, इसे हम इस तरह से छील लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ग्रीन वाले पार्ट को छील लिया है। अब जो ये रेड वाला पोर्शन है ना, इसे भी हम छील के निकाल देंगे। हमें वाटरमेलन के छिलके का वाइट वाला पार्ट चाहिए, ना कि ग्रीन ना ना रेड, हमें सिर्फ वाइट पार्ट चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से छील लिया है। इस तरह से हम सभी छिलकों को छील के रेडी कर लेंगे। ये देखिए, अब इन्हें हम पीसेस में कट कर लेंगे, जैसे कि हम सब्जी को कट करते हैं ना, बस इसी तरह छोटी छोटी साइज में से हम कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने कट कर लिया। इस तरह से हम सभी सब्जी को कट करके रेडी कर लेंगे। ये देखिए, अब हम गैस के पास आ जाएंगे। मैंने कढ़ाई ले ली, जिसमें डालूंगी 2 चम्मच तेल। तेल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो 1 चम्मच डाल देंगे गोटा जीरा। जीरा हमारा चटकने लग गया, इस टाइम पे डाल देंगे हम राई। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने राई डाली है। राई जब चटकने लग जाएगी तब 2 सूखी लाल मिर्च हम डाल देंगे, और 1/4 से थोड़ा सा कम यहाँ पे हम डाल देंगे हींग। हींग जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी में। 1 कटा हुआ प्याज डाल देंगे। 1 बड़ी साइज़ का मैंने प्याज लिया था, जिसे मैंने कट कर लिया था। इन सभी को अच्छे से हम इस तरह से भून लेंगे। प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे हम। तो ये देखिए, हमारा प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। तो इस टाइम पे मैं डाल दूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं खाते हो तो आप इसे स्किप कर दें। और इस तरह से अच्छे से हम अदरक लहसुन का पेस्ट को भी भून लेंगे। अब हमने जो वाटरमेलन के छिलकों को कट करके रखा था वो मैंने डाल दिया है। तो अच्छे से पहले मैंने इसे धो लिया था, उसके बाद मैंने डाला है। 1 चम्मच हम डाल देंगे यहाँ पर हल्दी। 1 चम्मच हम डाल देंगे नमक। लगभग 1.5 चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच डाल रही कूटा हुआ धनिया। मैंने गोटा धनिया लिया था, जिसे मैंने कूट लिया था, 1/2 चम्मच है यह। 1 चम्मच हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। और 1/2 चम्मच डाल देंगे यहाँ पे चिली फ्लेक्स। 1/2 चम्मच डाल देंगे हम जीरा पाउडर। और 1/2 चम्मच ही डाल देंगे हम गरम मसाला। इन सभी मसालों को अच्छे से हम भून लेंगे, इस तरह से सब्जी में मिलाते हुए। बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनके तैयार होने वाली है घर के मसालों से। बस बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन टेस्टी बनती है सब्जी। आपको किसी भी सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप ये एक सब्जी बना लेंगे तो घर में। इस तरह से देखिए, मैं सभी सब्जी के मसालों को अच्छे से भून लूँगी लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। जब 3 मिनट हो जाएंगे, मीडियम लो फ्लेम में मैंने इन्हें भुना है। जब 3 मिनट हो जाएंगे तब हम डाल देंगे 1/4 कप पानी। चम्मच से देखेंगे तो यहाँ पे 7-8 चम्मच मैंने पानी डाला है, और कप से देखेंगे तो 1/4 कप है। अच्छे से पानी को भी सब्जी के साथ मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे इसको सिजाने वाले हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। पानी डाला हमने, अब हम लीड को लगा देंगे। लगभग 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे सिजाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इसे सिजाने में, इसलिए 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। तो इस तरह से लो फ्लेम में इसे आप ढक के रख दें, और आप देखिएगा कि ये हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी से सॉफ्ट हो जाती है। ये देखिए, और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया ना। जब ये सॉफ्ट हो जाता है तो इसका कलर आप ऑलरेडी अपने आप चेंज हो जाता है। बहुत ही टेस्टी सा ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। ये देखिए, अभी हम कुछ मसाले और भी डालेंगे इसमें। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, खट्टा के लिए मैंने यहाँ पर डाला है। और 1 चम्मच लगभग कसूरी मेथी लेंगे, और हाथ से इस तरह से हम इसे क्रश करते हुए डाल देंगे, जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर उभर के आता है। इन दोनों को अच्छे से हम सब्जी के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ धनिया, और धनिया की पत्ती को भी अच्छे से हम सब्जी के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। हम गैस की फ्लेम को इस वक्त बंद कर देंगे। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी वाली। अगर अच्छी लगी तब से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब वेस्ट पार्ट से हमने इसे बनाया है, सब्जी से बनाया है इसे। बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।